टॉपिक है आज का, जो टॉपिक जो हम डिस्कशन करेंगे, तो वो टॉपिक रहेगा आपका, यानी जो हम वाइब्रेशन अभी तक स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर वाइब्रेशंस दैट वी आर स्टडीइंग, उसमें एक पॉइंट आता है, यानी एक टॉपिक है फोर्स्ड वाइब्रेशन विद रोटेटिंग। यहाँ पर जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा फोर्स वाइब्रेशन विथ रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंस। यानी ये जो टॉपिक है इसको आज हम डिस्कशन करेंगे, फोर्स वाइब्रेशन विद रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंस। यानी आप यहाँ पर देखेंगे फोर्स वाइब्रेशन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई फोर्स वाइब्रेशन विद रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहला जो केस हम लेके चलते हैं कि भाई फोर्स वाइब्रेशन की हमें स्टडी करनी है, बट उसमें कंडीशन क्या रहेगी। द कंडीशन इज दैट द मशीन हैव ए रोटेटिंग पार्ट और वी कैन से द मशीन हैव ए रेसिप्रोकेटिंग पार्ट। या तो मशीन में कोई ना कोई रेसिप्रोकेटिंग पार्ट होगा या फिर कोई ना कोई रोटेटिंग पार्ट्स होगा। तो सिमिलर टू दैट वन, जो डेरिवेशन अभी तक हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में ड्राइव करे हैं उन्हीं की तरह ही ये डेरिवेशन ड्राइव करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंसीडर ए रोटेटिंग मशीन। हमने यहाँ पर एक रोटेटिंग मशीन कंसीडर किया है विच इज़ हैविंग ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। यानी एक मशीन कंसीडर किया है जिसकी जो स्पीड है वो कितनी है, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड है। और यहाँ पर ये जो मशीन है इसमें अनबैलेंस मास है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट अनबैलेंस मास और दैट अनबैलेंस मास कौन सा है, दैट इज m0। हमने m0 अनबैलेंस मास यहाँ पर कंसिडर किया है। लेट अनबैलेंस मास m0 हैव एन इसेंट्रिसिटी और इसेंट्रिसिटी क्या मानी है, हमने यहाँ पर ई मानी है, ये चीज़ आपको अभी जो समझ में आएगी। यानी हमने माना कि जो अनबैलेंस मास m0 है उसकी इसेंट्रिसिटी यानी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ई है। अब हम यहाँ पर कुछ पॉइंट यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। सपोज करिए कि ये जो सिस्टम आपने यहाँ पर कंसिडर किया है ये कोई एक पर्टिकुलर इस तरीके का सिस्टम है, ये दिस इज़ ए रोटेटिंग मशीन, ये कोई रोटेटिंग मशीन है। और इस रोटेटिंग मशीन का ये मान के चलिए स्टूडेंट्स दिस इज़ अ रेफरेंस एक्सिस, ये इस रोटेटिंग मशीन का रेफरेंस एक्सिस है जिसके रेस्पेक्ट में मैं मोशन को डिफाइन करूँगा। तो ये मैंने यहाँ पर मान दिया दिस इज़ द रेफरेंस एक्सिस ऑफ दिस रोटेटिंग मशीन। अब इस रोटेटिंग मशीन में जैसा कि मैं आपको बता रहा था एक अनबैलेंस मास है, तो अनबैलेंस मास आपका कहीं पर भी हो सकता है। ये पूरा एक रोटर है ऐसे मान के चलिए, ये सेंटर है इसका, तो अनबैलेंस मास यहाँ पर मान के चलिए m0 आपका अनबैलेंस मास यहाँ पर अटैच है, दिस इज m0। और ये जो सेंटर है सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है स्टूडेंट दैट इज ई। तो यहाँ पर जो हम बता रहे थे अनबैलेंस मास m0 हैव एन इसेंट्रिसिटी ई, तो ये इसकी इसेंट्रिसिटी है। अब ये जो पर्टिकुलर रोटर है मान के चलिए, ये जो मशीन है जिसको हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, ये मशीन का फाउंडेशन है इस तरीके से, और इसका जो टोटल मास है वो टोटल मास है स्टूडेंट्स m। ये जो टोटल मास m है इसमें हम दोनों चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं कि यानी यहाँ पर जो मास m है, तो m बेसिकली क्या है, टोटल मास ऑफ द मशीन, इट इज़ द टोटल मास ऑफ द मशीन यानी कि ये मशीन का टोटल मास है ऑफ द मशीन इंक्लूडिंग अनबैलेंस मास, इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडिंग अनबैलेंस मास m0। ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये जो टोटल मास m है इसमें ये जो अनबैलेंस मास m0 है इसको इंक्लूड करके, ठीक है,
और के यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग की स्टिफनेस है। अब ये के कहाँ से आएगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे कि ये मान के चलिए जो सिस्टम था इसके नीचे हमने यहाँ पर एक स्प्रिंग माउंट कर दिया, ठीक है, जिसकी स्टिफनेस क्या है, के है, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक डैम्पर सिस्टम यहाँ पर लगा दिया, और ये जो डैम्पर है इसकी जो डैम्पिंग कोफिशियंट है वो क्या है आपका सी, सी इज़ द डैम्पिंग कोफिशियंट, और ये आपका यहाँ पर सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, अगर हम इस फिगर को मेंशन करें तो ये एक रोटेटिंग अनबैलेंसिंग का केस है, रोटेटिंग अनबैलेंसिंग का केस है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था एम क्या है, टोटल मास ऑफ द मशीन इंक्लूडिंग अनबैलेंस मास m0 को इंक्लूड करके। के क्या है स्टूडेंट्स, के इज़ द स्प्रिंग स्टिफनेस, के यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग की स्टिफनेस है, ठीक है। और जो सी है आपका, सी क्या है यहाँ पर, डैम्पिंग कोफिशियंट सी है यहाँ पर आपका, डैम्पिंग कोफिशियंट जो हमने यहाँ पर कंसीडर किया है। अब मान के चलिए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, ये जो आप देख रहे हैं भाई, ये जो एम जीरो क्या है, रोटेटिंग अनबैलेंस है। जैसे मान के चलिए ये जो डिस्क है, इस टोटल मशीन का मास है एम, उसमें एम जीरो भी इंक्लूडेड है, और एम जीरो ऐसा मास है जो इस रोटेटिंग पार्ट का अनबैलेंस मास है। तो मैंने मान लिया कि ये एम जीरो यहाँ पर है, ठीक है, और ये जो दिखा रहा है एम जीरो बच्चों, ये किसी न किसी पर्टिकुलर पोजिशन दिखा रहा है, यानी कि यहाँ से मान के चलिए ये जो इसकी पोजीशन दिखा रहा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये जो पोजीशन है इसकी, दिस पोजीशन, ये यहाँ से ओमेगा टी एंगल बना रहा है, और जब ये ओमेगा टी एंगल बनाएगा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, तो इस डायरेक्शन में, अगर मैं आउटर डायरेक्शन में यहाँ पर बात करूँ, इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ जो फोर्स अप्लाइड होगा, ठीक है, वो फोर्स कितना अप्लाइड होगा इस पर, जो सेंट्रीफ्यूगल आपका फोर्स अप्लाई होगा, मान के चलिए एफ सी होगा, तो ये होगा स्टूडेंट्स इसका जो मास है अनबैलेंस वो कितना है m0, और इसकी जो स्पीड है भाई, जिस स्पीड से ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ये जो मास जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है वो क्या आपका ओमेगा। यहाँ हम मान चुके हैं ऑलरेडी ओमेगा क्या है आपकी, रोटेटिंग स्पीड है, और किस में है, ये रेडियन पर सेकेंड के अंदर, ठीक है, ये जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है, यानी ओमेगा यहाँ पर हमने मान लिया, ये जो अनबैलेंस मास है। और ये जो एक्स है ये क्या है, इसके एक्स इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है, यानी मशीन ऐसे भी वाइब्रेट कर रही है, और ये अनबैलेंस मास ऐसे रोटेट कर रहा है, ये डिस्क इसके ऊपर ऐसे रोटेट कर रही है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा वो कितना आएगा, हमें पता है एम जीरो, और स्पीड क्या है ओमेगा स्क्वायर, और आर क्या होती है, रेडियस। तो यहाँ पर आर की जगह क्या आ जाएगा, ई, स्मॉल ई, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो अनबैलेंस मास है, मान के चलिए मैं अगर इसको यहाँ एक्सप्लेन करूँ, ये सेंटर है, यहाँ से ये कोई मास है, ये आपका एक मास है एम जीरो, ये मान के चलिए ई रेडियस के सर्किल में ऐसे 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 रोटेट कर रहा है, ई रेडियस के सर्किल में इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो वो क्या होगा एफ सी, और वो क्या होगा स्टूडेंट्स एम जीरो, और अगर इसकी स्पीड है ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, ओमेगा स्क्वायर इनटू में इसकी रेडियस, तो रेडियस क्या है ई, तो यहाँ पर ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा इसका, ये कितना हो जाएगा एम जीरो ओमेगा स्क्वायर ई, यानी यहाँ पर ये जो फोर्स आएगा एफ इज इक्वल टू एम जीरो ओमेगा स्क्वायर ई, ये क्या आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो कि इस रोटेटिंग अनबैलेंसिंग मास की वजह से इस सिस्टम के ऊपर क्या होगा अप्लाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये कंसिडर किया है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये क्या है, ये मास की पोजिशन है, ठीक है। तो अगर मैं फर्दर इसको आगे लेके जाता हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने अज्यूम किया लेट m0 मेक्स एन एंगल जो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये रेफरेंस एक्सिस है, ये मान के चलिए दिस इज द रेफरेंस एक्सिस, और रेफरेंस एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है ये है आपका ओमेगा टी। तो लेट m0 मेक्स एन एंगल, कितना एंगल है स्टूडेंट्स ओमेगा टी, ये ओमेगा टी एंगल बना रहा है फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस, यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर एम जीरो ओमेगा टी एंगल बना रहा है, कहाँ से, रेफरेंस एक्सिस से, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। लेट एम जीरो मेक्स एन एंगल ओमेगा टी फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस एट एनी
इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये कितना एंगल बना रहा है आपका ओमेगा टी एंगल यहाँ पर बना रहा है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर जो फोर्स अप्लाइड होगा, तो देन फोर्स एक्टिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन, तो फोर्स जो एक्ट होगा आउटवर्ड डायरेक्शन वो कितना आएगा स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर अभी कैलकुलेट की है ऑलरेडी, और उसको हमने क्या बताया एफ सी इज इक्वल टू मास कितना है एम जीरो, स्पीड कितनी है ओमेगा स्क्वायर, और रेडियस कितनी है ई, यानी एम जीरो ओमेगा स्क्वायर ई, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आउटर डायरेक्शन में फोर्स आएगा। और अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूँ यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं भाई ये एम जीरो ओमेगा स्क्वायर ई है, ठीक है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। अगर मैं इस फोर्स के दो कंपोनेंट करूँ इसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, एक कंपोनेंट जाएगा स्टूडेंट्स, जैसे मैं अगर इसको यहाँ पर शो करूँ, ये इस तरीके का मास है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में इधर लग रहा है आपका फोर्स एफ सी, ठीक है, और ये जो एफ सी है ये यहाँ से रेफरेंस एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज ओमेगा टी, इसका एक जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा इधर, तो वो कंपोनेंट क्या होगा एफ सी कॉस ओमेगा टी, और जो दूसरा कंपोनेंट है दैट विल गो इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये क्या होगा एफ सी साइन ओमेगा टी। अब स्टूडेंट्स ये जो वाला कंपोनेंट है यानी एफ सी कॉस ओमेगा टी, तो सिस्टम इस डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है, यानी सिस्टम का इस डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि भाई ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है सिर्फ वाई वर्टिकल डायरेक्शन में ही सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट है, जो हमने यहाँ पर एक्स अज्यूम किया है। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम कोई भी मोशन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि भाई जब सिस्टम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी मोशन यहाँ पर नहीं कर रहा है, और जब सिस्टम आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं कर रहा है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर इसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो चीज़ें आपकी यहाँ पर डिफाइन की गई हैं। चलिए नेक्स्ट वन क्या है, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि भाई यहाँ पर जो फोर्स है वो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है एफ सी साइन ओमेगा टी, तो ये जो कंपोनेंट है ये जो फोर्स है ये इस एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा रेस्पॉन्सिबल होगा। तो अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन राइट करता हूँ वर्टिकल डायरेक्शन में, तो द इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, और मोशन किसकी बात करेंगे, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास एम, मास एम क्या है टोटल मास, मशीन की इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास एम इन वर्टिकल डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन, अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करता हूँ तो फाइनली ये क्या आती है मेरी, ये आएगी एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्या आएगा जो भी फोर्स है, तो फोर्स यहाँ पर क्या है एफ सी साइन ऑफ दी ओमेगा टी, ये क्या है फोर्स यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में एफ सी साइन ओमेगा टी, और इसको मान के चलिए इक्वेशन नंबर वन मैंने यहाँ पर मान लिया। और वहाँ पर अगर हम बात करते हैं वेयर, जहाँ पर एफ सी क्या है बेसिकली, तो एफ सी स्टूडेंट्स एम जीरो ओमेगा स्क्वायर इंटू ई, और जिसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी ये क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर वन में पुटअप करेंगे, तो फाइनली हमारी जो इक्वेशंस आएगी दैट वी विल गेट एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये भी स्मॉल एक्स के एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं इसको यहाँ पर पुटअप करता हूँ तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स एम जीरो ओमेगा स्क्वायर ई ऑफ द साइन ओमेगा टी, यानी ये इक्वेशंस आपकी इस तरीके से आ जाएगी, और इसको मान के चलिए वी गिव दिस इक्वेशन नंबर टू। अब यहाँ पर ये जो टर्म है ये सिर्फ एफ जीरो को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टडी स्टेट जो एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन आता है उसकी वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट स्टडी स्टेट एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इक्वेशन टू कैन बी
गिवन बाई, ये किस तरीके से गिवन हो सकता है, जब हमने इक्वेशन ड्राइव की थी एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो साइन ओमेगा टी। तो ये स्टूडेंट्स क्या आया था, यहाँ पर स्टडी स्टेट एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन क्या आया था, आपको ध्यान हो तो यहाँ पर आया था एफ जीरो, ठीक है, अपॉन में अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर अंडर रूट में क्या आया था, के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का होल स्क्वायर हेयर। जबकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो एफ जीरो है वो क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज एफ सी, और एफ सी बेसिकली ये क्या है आपका एम जीरो ओमेगा स्क्वायर ई। तो जो न्यूमरेटर वाला टर्म है उसमें हम एफ जीरो की जगह यहाँ पर क्या पुटअप करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ एक्स इज इक्वल टू इस इक्वेशन के लिए ये आ जाएगा एम जीरो ओमेगा स्क्वायर ई, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी वैल्यूज के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि इक्वेशन नंबर टू का सॉल्यूशन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो ये एज इट इज रहेगा, ये आएगा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू एम जीरो ओमेगा स्क्वायर ई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का होल स्क्वायर। और फाइनली अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये आएगा आपका एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, अब हमने मान के चलिए के नीचे से कॉमन लिया, तो के एम ओमेगा स्क्वायर ई और के को ऊपर हमने डिवाइड कर दिया, ये के आपका ऊपर डिवाइड चला गया क्योंकि नीचे से हमने यहाँ इसको क्या ले लिया था, यहाँ से कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर अंडर बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ दी यहाँ वन माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाई के का फाइनली क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा बाई के का होल स्क्वायर। तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी एक्स की वैल्यू यहाँ पर बच गई। अब हमने क्या किया, इस जो टर्म है इस टर्म को हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई किस टर्म को हमें क्या लिखना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो आप देख रहे हैं पहला जो टर्म है ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या होगा आपका ओमेगा स्क्वायर ई, ठीक है, ये जो ओमेगा स्क्वायर ई जो वाला टर्म है ये आपका एज इट इज़ रहेगा। और इसको अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, देखिए ये आप जो टर्म देख रहे हैं तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये एम जीरो, ठीक है, ये एम जीरो एज इट इज़ रखेंगे, एम से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ एम से इसमें डिवाइड किया, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड, क्लियर है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या आपका ओमेगा स्क्वायर और ये क्या आपका ई और ये क्या आपका की, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने एम से ऊपर मल्टीप्लाई किया एम से नीचे डिवाइड किया और फाइनली इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और अगर मैं इसको इसी में डिवाइड करता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा फाइनली, और ये स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा वन माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाई के, ठीक है, ये एम ओमेगा स्क्वायर बाई के का फाइनली क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी ओमेगा बाई के का होल स्क्वायर, यानी ये हमारा यहाँ पर टर्न आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये जो एम अपॉन के है, ठीक है, तो इसको मैं उल्टा लिख दूंगा के बाई एम, तो ये ओमेगा एन का होल स्क्वायर आ जाएगा नीचे से, ठीक है, ये क्या आ जाएगा ओमेगा एन का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे फर्दर, तो देखिए ये जो बाकी कॉन्स्टेंट है एम जीरो यहाँ पर कॉन्स्टेंट बचेगा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इसको छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा ई और अपॉन में क्या होगा एम एम जीरो ई बाई एम, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा ऊपर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, बाकी टर्म हमने नीचे ले लिया। के को यानी एम को अगर मैं नीचे डिवाइड करूँगा तो ये फाइनली कितना हो जाएगा ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ये ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये जो टर्म हमने यहाँ पर बचाया। और इसके नीचे डिवाइड है तो मैं यहाँ पर डिवाइड लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, और डिवाइड में ये जो बाकी जो टर्म है इसको मैं एडिटिस लिख रहा हूँ, ये वन माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाई के का होल स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा सी ओमेगा बाई के का होल स्क्वायर, ये इसके डिवाइड में। अब हमें बाकी जो टर्म थे उनके बारे में सबके बारे में पता है, मैंने यहाँ पर क्या किया x डिवाइडेड बाई एम जीरो ई डिवाइडेड बाई एम, इसको जो कॉन्स्टेंट था इसको नीचे डिवाइड कर दिया, इन दोनों का रेशियो निकाल दिया x अपॉन में एम जीरो ई डिवाइडेड बाई एम। तो यहाँ पर जो ऊपर बचेगा ये क्या बचेगा ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर, यानी न्यूमरेटर में तो ये चीज़ बच जाएगी ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर है उसमें भी वैल्यूओं को हम चेंज कर देते हैं, ये डिनोमिनेटर आ गया तो ये बचेगा वन माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाई के को, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा और इसका स्क्वायर प्लस, और सी ओमेगा बाई के को क्या लिख सकते हैं टू ईटा ओमेगा बाई ओमेगा एन, ठीक है, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, क्यों
क्योंकि यहाँ पर एम ओमेगा स्क्वायर बाई के को हम फाइनली लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर, और जो सी ओमेगा बाई के है इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू ईटा ओमेगा बाई ओमेगा एन। और ये कैसे आता है ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी पहले समझा चुका हूँ। तो फाइनली ये जो डेरिवेशन आया हमारा एक्स अपॉन में एम जीरो ई डिवाइडेड बाई एम, इट विल बी यूटिलाइज इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे तो ये वाला जो टर्म है ये हमारा वहाँ पर क्या होता है, यूटिलाइज होता है। तो ये टर्म आपका इम्पोर्टेंट टर्म है और इसको हम डाल सकते हैं, ये मान के चलिए आपकी इक्वेशन नंबर थ्री वाला टर्म आ गया। और इसी में अगर हम यहाँ पर निकालते हैं स्टूडेंट्स फर्दर टेन फाई की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ, अगर मैं यहाँ पर टेन फाई की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, तो टेन फाई की जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट करके फर्दर निकाल सकते हैं। तो टेन फाई आपका इस तरीके से आ जाएगा, यानी सेम वैल्यू आएगी और वो फाई की वैल्यू वही सेम रहेगी। तो फाई विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स टू ईटा ओमेगा बाई ओमेगा एन अपॉन में वन माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर, और ये आपका इस तरीके से ब्रैकेट, और ये आपकी इक्वेशन नंबर फोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, दीज आर द पर्टिकुलर इक्वेशंस दैट वी हैव टू फाइंड आउट।